हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जय मंदास। देखिए, अभी मैं आपको पहले भी बता चुकी, अभी बता रही, होली आ रही है 18 मार्च को। बहुत सारे जनों ने शक्तियाँ पूर्णिमा के दिन सिद्ध कराई है, अभी भी करवा रहे हैं। मैंने आप तब भी कहा था, अब भी कहूँगी कि होली की रात को सबको साक्षात दर्शन होने वाले। मेरे सारे ग्रुप में मैंने ये बात बताई है, जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली हैं सबको मैं इंसानी रूप में उनको दर्शन दिलवाने वाली हूँ, ये बात पक्की है। और जिनको जिनको उनको लोगों का जो गिफ्ट बना है वो भी उनको मिल रहा है। मेरा काम अब पूरा हो चुका है, अब मेरा काम सिर्फ केशव के लिए ही बचा है। मैं अब ये सोच रही हूँ कि जैसे यूट्यूब में जो कमेंट कर रहे हैं उनकी बातों का जवाब, कि जैसे भी मैंने नमक का काम डाला है कि बीवी हो बेवफा, तो उन्होंने कहा कि आप गलत नहीं, लेकिन आप प्रूफ दीजिए। क्या प्रूफ दूँ मैं, किस बात का प्रूफ दूँ? प्रूफ तो मतलब ये तो वही बता सकता है जिसके ऊपर हम ये काम करते हैं, नमक वाला। आपको पता है नमक वाला काम करने से क्या होता है, पूरी बॉडी में इचिंग होने लगती है, खुजली जैसा होने लगता है, चेहरे पे एकदम चेहरा बिगड़ जाता है, चेहरा अच्छा नहीं लगता है, और शरीर से गंदी सी बदबू आती है, बहुत अजीब सी बदबू आती है, मुंह से बदबू आती है, नाक से बदबू आती है, आदमी उसके हाथ का खाना खाना भी पसंद नहीं करेगा, ऐसे बहुत कुछ होता है। लेकिन किसके साथ होता है, मैंने कहा ना, जो इंसान अदरवाइज़ किसी के साथ पहले का गलत संबंध रख चुका है। लेकिन अभी एक बात बताओ, बहुत सारे लोग बोलते हैं नमक का काम करो, ये करो, हम नमक का काम करने को तैयार है। मेरा देखो, आज तक मेरा वार खाली गया नहीं और ना जाएगा, लेकिन करे क्या नमक का काम करके? यहाँ गंदगी तो घर में बसी है। अभी मेरे पास एक एक आदमियों का मैसेज आता है कि मैम, मुझे अपनी बीवी को नहीं छोड़ना है, वो चाहे जैसी भी, आप उसको सही करो, नमक का काम भी नहीं करना है उसको, ऐसा चाहिए कि जैसी है वैसी दो। आपको मालूम है, आप आदमी लोग, मैं आज आदमी लोग, आप आदमी लोग रॉन्ग हो। आप लोग कैसे किसी की जूठन खा सकते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। अभी आप बोलेंगे कि फिर क्या करें, छोड़ दे क्या? छोड़ना रीज़न नहीं, लेकिन आप सोचो ना, आप सामने वाले को सर पे चढ़ा रहे हो। आप बताओ, अभी जब आप जब खुद से उनको सर पे चढ़ाओगे, आप उनको पता है कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते, कर सकते, तो वो तो वो गलतियाँ करेंगी ना। वो बोली, वो तो आप पर नाम डालेंगी, यहाँ पे तो ऐसी सीना जोड़ी है। तो एक बात और बताती हूँ मैं, बहुत सारी औरतें ऐसे करती हैं आजकल, खुद तो बाहर संबंध रखती हैं, बाद में अगर उनका पति उन्हें छोड़ने की कोशिश करता है तो वो उन पर केस करती हैं एक बात और बता दूँ, लॉ के हिसाब से, एक अगर मैं लॉ की बात करूँ, एक कानून की बात करूँ, तो कानून में साफ साफ कहा गया है कि हर एक आदमी औरत को लिविंग रिलेशनशिप रहने का हक है, लेकिन उसकी वजह से आप अपने पार्टनर को, चाहे जैसे बीवी हो पति पे या पति हो बीवी पे, कोई किसी भी तरह का दबाव डाल के कोई भी तरह का कानूनी केस या कुछ नहीं कर सकता। बकायदा ये कर सकता है कि आपको रहना है तो चुपचाप रहिए, या तो आप तलाक लेके बाजू हटिए। लेकिन आप बाहर भी, एक लेडीज़ की बता रही हूँ, बाहर भी रिश्ता रखो, बाहर भी रिश्ता रख के फिर अपने पति पे ये ब्लेम करो कि तू मुझे अच्छे से नहीं रखता, ये नहीं रखता, मैं तेरे नाम पे कंप्लेन कर दूँगी, ये कर दूँगी, तो ये होगा ही नहीं, ये बात होगी ही नहीं। क्या है, मैं पुलिस तुम्हारे को ही डंडा मारेगी। क्यों? आज की तारीख में लॉ में ऐसा हो चुका है कि बकायदा आपका DNA टेस्ट करवाया जाएगा। मैं लेडीज़ की बात बता रही हूँ, क्योंकि आज मैं अपने आदमियों के हक़ में लड़ रही हूँ कि लेडीज़ का बकायदा DNA टेस्ट करवाया जाएगा। DNA सिर्फ बच्चे का नहीं होता है, DNA औरतों का भी होता है, कि हम औरतें इतने दिनों में, जब से हम पैदा हुई तब से अब तक कितने आदमियों के साथ सो चुकी हैं, बैठ चुकी हैं, वर्क चुकी हैं, समझ रहे हो? तो बकायदा DNA कराएंगे, क्योंकि अगर आप अपने पति पे ये नाम डाल रही हो कि मेरा पति मुझे खुश नहीं रखता, ये नहीं रखता, मैं ऐसे करती हूँ, क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे ख्याल से बांद्रा से लेके विरार तक में कम से कम आज तक मारवाड़ी यूपी की इतनी सारी भाभियाँ ऐसी सब कॉलगर्ल वाला काम कर रही कि बार वालों से भी बेकार हैं वो औरतें। घर में आदमी खर्चा नहीं चलाता है करके घर घर में फ्लैट फ्लैट में कम से कम गंदे काम चालू है। ये बात आप, पुलिस कितनी जगह रेड मारती है, पैसा लेकर हट जाती, बहुत ज़्यादा, खास करके मेरे ख्याल से भाईंदर से लेके विरार तक में तो ये देह व्यापार तो बहुत गंदी तरीके से चल रहा है। जो कि मुझे, मेरे पास पूजे का काम आता है ना, कि हमारा पूजे का काम करके दो, हमारे पास ऐसा, मेरे को एक आकर्षण शक्ति दो कि हम जहाँ भी जाए वो हमारे वश में हो, तो ये बातें होती हैं। उसके बाद ये औरतें अपने पतियों पे नाम डालती हैं, और ये वही औरतें करती हैं जिनको ये डर, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये घर से निकल जाएंगे तो इनके मायके वाले तो इनको रखने से रहे, तो पति पे ही रोक जमाती। तो बिल्कुल भी ये गलती नहीं करे, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि पति पे अगर आप कानूनी तरीके से दबाव डालेंगे, उनकी जायदाद में हिस्सा डालेंगे, अरे हमारे बच्चे हम कहाँ जाएँ,
तो कानून में अब ये नया तरीका चालू किया गया है कि बाकायदा पहले तो आपका डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा कि सच में सिर्फ आप अपने पति की रह चुकी हैं, किसी और दस के साथ मुंह मार चुकी हैं। अगर पुलिस को गलती से भी ये पता चला कि आप भी अपने पति के अलावा और भी लोगों से आपका शारीरिक संबंध है, उसी जगह पे तुरंत 420C का केस आप पर उल्टा हो जाएगा। आपका पति आप पर दावा करके आपको ज़िंदगी भर 7 साल की जेल करवा सकता है। ये बात लिख के लेना आप, उसके लिए आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि देखिए ये मैटर कुछ यहाँ से अटैच है। अभी मैं सच बोलूँ ये क्या होता है मालूम है, ये गलतियाँ होती है घर वालों की गलतियाँ ये होती है कि अपने ही घर में रिश्तेदारों में आदमी शादी कर देता है, शादी की वजह से मजबूर हो जाता है कि अब हम क्या बोले कि भाई केस कर देंगे ये कर देंगे, क्योंकि उनको बातें पता नहीं रहती कि हम इन्हें आसानी से सबक सिखा सकें। इसमें टॉर्चर कौन होता है, 100% आदमी टॉर्चर होता है। वो हर तरह से डिप्रेशन में जाता है कि मेरे पे कंप्लेंट कर देगी, ये कर देगी। उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, उसमें उसको पुलिस स्टेशन जाने दीजिए आप, और ये बोलिए कि ये इसको पहले पूछिए कि ये कितनी शरीफ है, क्योंकि ये औरतों की फालतूगिरी हो गई है। मतलब हाँ मैं तो रहूँगी दूसरे के साथ, आपने आप भी देखा होगा आजकल छोटी ये सब बातों में छोटे छोटे सीरियल्स भी बनते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि ये बात नहीं है कि आपने शादी कर ली। अभी मैंने भी तलाक लिया, लेकिन मैंने क्या तलाक लेके उधर जायदाद हिस्सा नहीं मांगा, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ, मैं कमाऊ औरत हूँ, मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ। मैंने जिससे तलाक लिया उसके ऊपर उसका नाम ना ख़राब किया, ना उस पर प्रेशर डाला कि मुझे खानदान में हिस्सा दे ये दे, नथिंग, मुझे नहीं रहना है, बात ख़त्म। ये एक औरतों का वो हो गया है कि बच्चे के नाम पे इसके नाम पे जायदाद में हिस्सा मांगना, वजह बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उल्टा पुलिस आप पर 420C का केस करके आपको तुरंत 7 साल के लिए अंदर डाल देंगे। ये सारी औरतों के लिए अल्टीमेट है। ये जो कहते हैं ना पति को टॉर्चर करने वाला, पहली बात तो एक और औरतों में गलती होती है कि ये शादी के बाद खुद तो अपना मायका संभालती हैं, मायके वाले बरोबर चाहिए, माँ चाहिए, भाई चाहिए, बाप चाहिए, सब चाहिए, लेकिन ससुराल वाले नहीं चाहिए। अगर पति घर का नमक उठा के भी अपनी माँ को देगा तो इनको चर्बी चढ़ती, मिर्ची लगती है, अरे मेरा आदमी दिया, अरे तुम्हारा आदमी दिया, तुम्हारे आदमी को पैदा किसने किया ये बताओ मुझे। तुम्हारा आदमी तुमको जो आज मिला है, तुमको जो प्यार कर रहा है, उस माँ की वजह से मिला है ना। हम माँ को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए हर बच्चे की माँ उसके लिए बेस्ट ही सोचेगी, चाहे कोई भी कैसी भी माँ हो। अगर मैं भी माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए बेस्ट सोचूंगी। मेरे बच्चे अगर गलत रास्ते पे जा रहे तो मैं सोचूंगी कि कैसी भी इज्जत बचे। इंसान अपने घर में अपने भाई से, अपने भाई के बच्चों से, किसी से अगर मामा के बच्चों से शादी करवाते इसलिए कि वो जानता है कि हमारे घर की लड़की है तो हमको सुखी रखेगी, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि वही हमारे घर को धोखा दे दी तो। क्योंकि देखिए एक बात बताऊँ आपको, बाहर वाले ही अक्सर अपने काम आते, घर के लोग तो ऑलरेडी होते हैं। मैं भी आपको सच बोलूँ, मैं भले प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मुझे बोला जाता है, मेरी भी रसिका आंटी है, सब गांव से बोलती है कि केशव के पापा के घर वालों का कुछ भी नहीं लेने का, उनके घर का नमक भी नहीं लेने का, अगर वो प्रसाद भी दे तो नहीं लेने का। उनका डायरेक्ट नाम डाला जाता है कि उनके घर वाले उनके गाँव में जाके उधर जाके काला का जादू करवाते, ये लोग सबके ऊपर काला जादू करवा के सबको देते हैं, ये सब बहुत सारा नाम आया है। तो मैं क्या बोलती हूँ, मेरे तक आने के लिए हिम्मत तो चाहिए, मेरे तक कोई नहीं आ सकता, मेरे बच्चे तक कोई नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पीछे, मेरे बच्चों के पीछे, केशव के पापा के पीछे मेरी बाँ खड़ी है। अब चाहे तुम लोग उनको गांव लेके जाओ या कुलदेवी के मंदिर लेके जाओ, उनको चाहे जाके उन पर जादू करवाओ, उनको कुछ भी मिठाई खिलाओ, मट्टी खिलाओ, शमशान की राख खिलाओ, उन पर कुछ असर नहीं करेगा। क्यों? मैंने ऑलरेडी उनको रक्षा कवच डाल के रखा है, ये बात याद रखना, वो डाल के ही रखा है। वो करके मतलब ही नहीं, बल्कि ऐसा करने से पहले अपनी खुद की घर की औरतों को सुधारो। तुम्हारी घर की औरतें गलत काम करती हैं, तुम उसको डांटने के बजाय तुम अपने बेटों को वश में करने देखते हो, शर्म आना चाहिए। हाँ क्या लगता है, विद्या देवी गांव तक पहुंच चुकी है तो मेरे को उससे मतलब नहीं है। देखो जो जैसा, देखो मैं एक बात बताऊँ, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज अगर हम लोग किसी के ऊपर करेंगे ना तो कल हमको भी आगम मिलेगा। अगर मैं आज किसी के बच्चे को अपने वश में करूं या अपनी तरफ करूं ना तो कल मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे, मेरा भी केशव बड़ा हो रहा, उसकी भी बीवी आएगी, मेरा भी हनी बड़ा हो रहा, उसकी भी बीवी आएगी, वो भी मेरे साथ ऐसे करेगी। आप जैसा करोगे आपको आगे वैसा ही मिलेगा फल। यहाँ का फल यहीं भुगतना पड़ता है, कहीं नहीं भुगतोगे आप, फिर आपको याद आएगा हाँ मैंने गलती कर दी। लेकिन आज की दुनिया कैसी है, अपना नहीं, अरे मैं तो बहुत सती सावित्री। एक्चुअली आपको यकीन नहीं आएगा, पुराने ज़माने के लोग तो और शातिर थे, अभी के तो भी ठीक हैं। पुराने ज़माने के लोगों ने इतने गुल खिलाए ना कि उनके गुल का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये बात है कि जो आप लोगों ने सवाल किया, मुझे इस सवाल का जवाब दे रही हूँ कि नमक का काम इसलिए किया जाता है कि ऐसी औरतों को सुधारने का काम किया जा रहा है। जब ऐसी औरतें किसी के लायक ही नहीं बचेंगी ना, तब उनको आपकी कदर पता चलेगी।
और किसी भी आदमी को ऐसी औरतों से डरने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने केशव को पापा को साफ साफ बोल, मुझसे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्यों डर रहे हो, हम तो प्यार करते हैं एक दूसरे को। रिश्ते में मजबूरी नहीं होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। अगर मैं उस मजबूरी का फ़ायदा उठाऊँ, मैं तो एक ही चीज़ मांगती हूँ, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने अगर उधर केस भी किया, मैं एक ही चीज़ मांगती हूँ कि जिस तरह से मेरी ज़िंदगी में आए हो तो मुझे देखो ना। मैंने कभी उन्हें कहा कि अपने घर छोड़ दो, अपनी बीवी छोड़ दो, अपना बच्चा छोड़ दो, मैंने कभी उनसे ऐसी कोई शर्त रखी ही नहीं। मैं सिर्फ ये शर्त रखती हूँ कि मुझ पर ध्यान दो बस। अगर मैं भी ऐसे शर्त रखूँ कि उसको तलाक दे दो, मेरे पास आके रहो, ये रहो, तब मेरी भी ज़बरदस्ती है, तब तो फिर मेरे साथ भी वही होना चाहिए जो उस, लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसा फालतू बात नहीं कहा। लेकिन जो लोग ये फालतूगिरी कर रहे हैं, जो आदमियों को टॉर्चर करते हैं, उनका एक ही इलाज है, उनको दो थप्पड़ मारो खींच के और बोल तू जा पुलिस स्टेशन, नहीं तो मैं तुझे घसीट के लेके जाऊँगा, ऐसे बोलो और गिरा के मारो। क्यों वहाँ जगह पे डीएनए टेस्ट होगा कि भाई चलो मैं तो हरामी हूँ, ये भी तो हरामी है, ये कैसे हम पर केस कर सकती है, ये खुद 10 जगह मुँह मार के आई और हम पर केस करेगी। औरतें मतलब क्या सर पे चढ़ेंगे? आज की तारीख में कैसा कानून में पहले औरतों का पहले साथ दिया जाता है, नहीं अब बदल चुका है, अब आदमी लोग के लिए भी बराबर वो है, आदमियों के लिए भी बराबर है। तो कानून में ये लागू हो चुका है कि अगर एक औरत अपने आदमी का टॉर्चर करती तो उस औरत को तुरंत बकायदा जगह पे डीएनए टेस्ट कराओ, उसका पूरा बायोडाटा निकालो, उसको डंडे डंडे से मारो कि दोबारा ऐसा करने से पहले 50 बार सोचेंगी, या तो अपने यार के साथ भाग जाएंगी या तो चुपचाप अपने घर में पड़ी रहेंगी, ये दो ही काम होगा। तो ये आज मैं अपने भाइयों के लिए लड़ाई लड़ी हूँ, क्योंकि कुछ बातें हमारे तक भी आई हैं कि औरतें एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी केस कर देती है, घर हथियार लेती है, ये कर लेती है। तो विद्या देवी जहाँ बैठी है ऐसा तो किसी को कुछ होने नहीं देगी, फिर तो मैं सबके हलक में हाथ डाल के निकालने वाली औरत हूँ, ऐसी बात है। और कुछ लोग मेरे केशव के पापा तक भी आने को सोचते हैं, तो मैं उन औरतों को, मैडम माया को एक ही बात पहुँचाऊँगी कि जब तक इज्जत से रहना है रहो, शांति से रहो, अब तक भगाया नहीं है, सारी गलतियाँ तुम्हारी माफ़ की गई हैं। खास करके मैडम माया, मैं उर्फ सबको बोलूँगी कि अब तक आप लोगों की गलतियाँ माफ़ की गई है, वो स्टेप लगाने में मुझे मजबूर नहीं करना कि कल ऐसा दिन नहीं आए कि केशव के पापा आपकी तरफ आँख उठा के नहीं देखे। अब तक तो विद्या देवी ने वशीकरण जैसा कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो ये पक्की बात है कि फिर केशव के पापा आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, आपको पूछेंगे भी नहीं, आप लोगों को फिर ऐसा दिन आएगा कि आप लोगों को खुद की खुद गलतियाँ याद आएंगी। क्योंकि पहले खुद कहते हैं ना, एक उंगली सामने करने से अच्छा 4 उंगली अपनी तरफ करके देखो, एक आदमी को टॉर्चर करने से अच्छा 4 अपनी तरफ देखो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बहुओं ने सबने क्या गलती की है। और उस औरत को भी बोलूँगी कि पहले खुद के गहरीबान में झांक के देख कि तू कितने पानी में है, कितनी गंदी है, समझिए। वो चीज़ें मजबूर मत करना कि बाद में ऐसा कुछ हो जो बची कुछ इज्जत है वो रस्ते पे उतर जाए, ये बात याद रखना। इसलिए जितना हो सके प्यार से रहो, अच्छे से रहो, कोई बात के लिए मना ही नहीं है, खाना पीना सारे सुख मिलेंगे। लेकिन अगर गलती से भी टॉर्चर किया गया मेरे केशव के पापा को, उस दिन विद्या देवी को आगे खड़ा पाओगे, चाहे कोई भी हो, चाहे लड्डू की मम्मी हो, चाहे आंटी हो, चाहे अंकल हो, चाहे भाई हो, चाहे भाभी हो, कोई भी हो, एग्जैक्टली यूट्यूब के ज़रिए धमकी दे रही है कि अगर मेरे केशव के पापा को, मेरे प्रभु को किसी ने भी परेशान किया तो विद्या देवी को आगे पाओगे, उसके बाद तुम लोग क्या कोर्ट कचहरी जाओगे, तुम लोगों को मैं जेल से बाहर नहीं आने दूंगी, ये बात याद रखना। तुम लोगों को ऐसा नाच नचाऊंगी ना कि पूरी दुनिया तुम लोग याद रखे, क्योंकि मैं कैसी मालूम है, दिखने में बहुत सीधी जरूर दिखती हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई पंगा लेता है ना, उसकी मैं 7 पुश्ते बिगाड़ देती हूँ, इतना दम है मेरे अंदर। इसके लिए अपनी गलती मानो, तुम लोगों ने जो गंदगी की है ना, उस गंदगी को पहचानो और अंदर ही पड़े रहो, उसको परेशान करना छोड़ दो, समझ रहे हो। नहीं तो जब मैं आगे आऊँगी ना, मैं चंडी का अवतार ली ना, तो समझ लो तुम लोगों को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा यहाँ से लेकर गांव तक का पूरा बायोडाटा मेरे हाथ में आ चुका है। जैसे मैंने आरिफ शेख की पूरी रिकॉर्डिंग डाली है ना, मुझे मजबूर नहीं करना कि फिर मैं वैसी कैसे रिकॉर्डिंग डालूं, फिर जो बचा खुचा है तुम्हारा सब खत्म हो जाए, ये बात याद रखना। ये जो गाँव जाके कालाकांडी करना मुंडन के नाम पर, ये नाम पर, सब बंद कर दो, कहीं ऐसा नहीं हो लेने के देने पड़ जाए, क्योंकि केशव के पापा के साथ शक्तियाँ जाती हैं, और शक्तियाँ अगर देखेंगी तुमने कुछ भी गलत किया तो यही होगा कि अचानक ऐसा कुछ होगा जो सोचे भी नहीं सोचेगा, तुम्हारे ऊपर ही उल्टा आ जाएगा, ये याद रखना, ये मेरी वार्निंग समझो। फिर तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ जाएगी, तुम जिस सबसे प्यारा बेटा तुम्हारा तुम्हारे हाथ से खो जाएगा, ये गल में खुला चैलेंज देती हूँ। क्योंकि देखो तुम ही कालाकांडी करोगे, जादू टोना करोगे, तो वो जादू टोना तुम्हारे ऊपर ही ऊपर जाएगा और तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ गुम जाएगी, ये मेरी खुली चैलेंज है। अब बुरी लगे तो अपनी बात, नहीं तो जैसा चाहे वैसा सोचो। जय माता दी।